हेलो फ्रेंड, ये आईफोन 6 का फोल्डर है। इसको हम फिट कैसे करते हैं? तो इसका पूरा कैम्बो मिलता है ये विद क्रोम के। बस ऊपर से हमको इसको कसना है और इसमें ऐड करना है एक फिंगर का, जो मेन होम का होम बटन होता है उसको लगाना है। एक कैमरे का, इसमें कैमरा होता है और हमारा स्पीकर होता है, उस पत्ते को लगाना है, यहाँ पर ऐड करना है। और इसका ऊपर से एक टीन कसना है, इस बराबर वाले में। देखो मेरे पास जो पुराना वाला रखा है और उसको मैंने कस दिया है नए वाले में। यहाँ पर एक जो पत्ता आता है उसको, पत्ते को हम पत्ते का ये आ गया हमारा, और हमारा ये टच का हो गया एक, और हमारा एक हो गया कैमरे का। ठीक है, चार होते हैं फ्रेंड। सही तरीके से इसको रखना है, जिस टाइप से इसको रखेंगे आप, वो जो आपका सेट होता है बोर्ड के अंदर उसी हिसाब से रखना है। फिर हमको स्पीकर के पास के जो दोनों नट कस देना है। इस नट कसने से क्या होगा, आपका इधर उधर नहीं भागेगा कैमरा स्पीकर। और फिर इसका ये जो भी ऊपर का बॉडी है उसको हम कसते हैं फ्रेंड। इसमें जो भी नट है, मैं दिखाता हूँ आपके लिए, जो भी इसका बोल्ट वगैरह है वो बस वो ही बोल्ट इसमें लगेगा, और इससे ज़्यादा बड़ा कोई नहीं लगाना। छोटा, इतना बड़ा छोटा नट दिख रहा है वही लगाना, छोटा छोटा नट, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नट लगाएंगे आप तो ये बॉडी में फिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके हिसाब से ही नट लगता है और छोटा वाला नट ही इसमें काम करता है। ज़्यादा बड़ा वाला लगाएंगे आप तो वो बॉडी टीन के इस तरफ से इस तरफ निकल जाएगा, तो बॉडी के अंदर फिट नहीं बैठ पाएगा। ओके गाइस, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और हमको कोई भी कसते हुए पेच ऊपर ज़्यादा लोड नहीं देना है, नहीं तो हमारी बॉडी क्रेक हो जाती है। ओके, पीछे का जो टीन है और होम बटन का बटन है उसका भी एक हमको बटन स्विच कर देना है। मैं फ्रेंड, क्योंकि एक हाथ से कैमरा बना, एक हाथ से पकड़ा हुआ हूँ और दूसरे हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, और कस भी रहा हूँ उसी हाथ से, तो एक हाथ मेरा फोन पर है और एक हाथ, प्लीज़ फ्रेंड, मैं कस रहा हूँ उससे। तो कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए सही तरीके से दिखाने का, इसलिए फ्रेंड ये मैंने पत्ती लगा दी है। ठीक है गाइस, इसमें पेच कस देना है हमको, और मैं वीडियो को देखो फ्रेंड, पूरा कस दिया मैंने, सारे नट लगा दिए इसमें, और हम इसको चेक करके देखते हैं। ठीक है फ्रेंड, बोर्ड पर चेक करके देखते हैं हमारा अच्छी तरीके से लगा या नहीं लगा। हमारा आईफोन का फोल्डर आ गया, अब हम इसको एक बार चेक करके देखते हैं। चेक करके देखते हैं हमारा फोल्डर चल रहा है नहीं चल रहा है, वर्क करने से। पुराना वाला फोल्डर था हमारा, वो टच नहीं चल रहा था उसका, और इसका देखिए अगर टच वगैरह चल रहा है बिल्कुल बाकायदा। ओके, इसमें लॉक लगा हुआ है, कस्टमर का है तो हमको लॉक पता नहीं है इसलिए हम नहीं खोलेंगे। हमको बस फोल्डर डालना था, वो हमने डाल दिया। ठीक है फ्रेंड, अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। कभी भी आपको भी डालना पड़े इस टाइप से तो हिसाब से ही खोलना, और इसको सेटों से ही बैठ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक फ्रेंड, बाय।